हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू प्रैक्टिस लाइंस एंड सर्कल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी कलर पेंसिल एंड आइवरी शीट के साथ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आपको प्रैक्टिस करनी है अपने बेसिक स्किल्स की, तो जैसे मुझे सर्कल बनाना है, तो ये देखिए सर्कल के लिए मैं इस तरीके से राउंड एंड राउंड एंड राउंड हाथों को बार 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 जो है रिपीट करता रहूँगा अपनी लाइन के ऊपर, और कोशिश करूँगा कि मेरी लाइन काफ़ी ज़्यादा डार्क ना बने। तो ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे वो डार्क होती रहे। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके बीच में अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से ओवल बना देता हूँ, तो पिछली वीडियो में भी दोस्तों हमने देखा था कि सर्कल के थ्रू हमने जो बाउल बनाया था, फेस बनाया था एंड बाकी अदर चीज़ें बनाई थी, तो ये कुछ उससे ही रिलेटेड है। अब इसमें हम जो है देखेंगे कि कैसे आप जो है अपनी लाइन्स की प्रैक्टिस और अपने बेसिक सर्कल शेप की प्रैक्टिस करके चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर और बढ़िया बना सकते हैं। कलर पेंसिल का चूज़ इसलिए किया मैंने दोस्तों, क्योंकि कलर पेंसिल का जो फ्रिक्शन हमारी शीट के साथ बनता है ना, वो बहुत ही बेहतरीन बनता है बढ़िया तरीके से। दोस्तों होता क्या है कि कलर पेंसिल अगर आप चलाएंगे ना, तो सच में इसका एक चलाने का जो पैटर्न है, लाइक मुझे बड़ी सूट करती है कलर पेंसिल अगर मैं उसको स्केचिंग के पर्पज़ से यूज़ करता हूँ। तो ये देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर अपने सर्कल शेप से और किस तरीके से हम यहाँ पर अपने सर्कल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और धीरे धीरे चीज़ों का जो कंट्रास्ट है उसको बढ़ा रहे हैं, तो हमें क्या क्या जो है चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जैसे ये देखिए, ऊपर से भी राउंड कर दिया, नीचे से भी राउंड कर दिया। अब आप इसको दोस्तों जिस भी शेप को जो है शो करना चाहते हैं, उस शेप के अकॉर्डिंग इसमें शेड वगैरह एंड बाकी सब चीज़ें शुरू कर दें। तो एक बात मेरी कहनी कि यहाँ पर ये है दोस्तों कि बेसिक शेप को ना मैं एक्चुअल में दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, मैं आपको सच बताता हूँ। और मेरे बहुत सारे आइडियाज़ अभी आप लोगों के लिए बचे हुए हैं, जिसमें कि मैं बेसिक शेप की इम्पोर्टेंस आप लोगों को देना चाहता हूं कि कितनी ज़्यादा जो है बेसिक शेप मैटर करती है। अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं, लैंडस्केप बना रहे हैं, स्टिल लाइफ बना रहे हैं, आइदर कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है दोस्तों। और हाथों का सिर्फ चलते रहना फ्लो के साथ बहुत ही बड़ी चीज़ है। लाइक अगर आप डेली रात को सो भी रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं कुछ टेक्निकली, लाइक आप कोई पोर्ट्रेट नहीं बना रहे हैं, कोई लीफ नहीं बना रहे हैं, कोई स्टिल लाइफ को ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप हाथों को ज़रूर घुमाएं। इसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपके सामने दोस्तों घुमा रहा हूँ कि आप सर्कल बनाने की कोशिश करें, आप किसी शेप को बनाने की कोशिश करें और उनके थ्रू जो है अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन करके रखें, ये चीज़ आपकी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा डेवलप करती है। प्लस आपको ये फील कराती है कि यार अभी हमारे अंदर का आर्टिस्ट जिंदा है, और हाथों का फ्लो जितना बढ़िया होगा हमारा, उतना ही बढ़िया हमारा जो है रिजल्ट भी निकलेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरीके से ये एक बोतल की शेप में चेंज हो चुकी है यहाँ पर शेप। तो लाइनें भी ना बड़ा साथ देती हैं आपका, बड़ी मस्त वो, मतलब बढ़िया, मतलब मैं कहूँगा दोस्तों बहुत बढ़िया चीज़ होती है ना लाइनें, मतलब इतनी बढ़िया चीज़ है लाइन। मैं सच बताऊँ, मैं पहले बहुत ज़्यादा बोरिंग फील करता था इन सब चीज़ों से, बट मुझे ना बाद में इसका जब इंटरेस्ट और मुझे टेस्ट पता चला कि हाँ यार, इसके बिना तो लाइफ ही नहीं है। लाइक आर्ट इज़ नथिंग विदाउट इट्स बेसिक। तो बेसिक तो बहुत ज़रूरी है आर्ट का, और बेसिक का इंटरेस्ट जिसमें आ गया ना, बस जिस बंदे में आ गया, तो वो फिर बाकी सब चीज़ों को छोड़ करके ना बेसिक में बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है, और उसका देखने का नज़रिया जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो वही मैं दोस्तों करना चाहता हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू, आप लोगों को जो है एक नई विजुलाइजेशन सेंस देना चाहता हूँ, एक नया नज़रिया देना चाहता हूँ, जिसके थ्रू आप जो है आर्ट को समझ पाएँ, देख पाएँ और थोड़ा और डेप्थ से जान पाएँ कि आप कितनी अच्छी फील्ड के अंदर हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों कैसे हमने अपने इस ग्लास को बना लिया है। तो इसी तरीके से अपनी जो बेसिक शेप रहेंगी हमारी, उसे हम सारी चीज़ों को ऐसे अटैम्प्ट करते रहेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे पास क्या क्या शेप निकल के आ रही हैं।
तो यहाँ पर अब जैसे कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि कितने सारे बेसिक ऑब्जेक्टों को आज हमने जो है बनाने की कोशिश की है अपने सर्कल और लाइन के थ्रू। तो मुझे लगता है दोस्तों ये सारी चीज़ें एक बेसिक बिगिनर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, एंड डेफिनेटली दोस्तों इन शेप्स ने आपकी हेल्प ज़रूर की होगी आज के ट्यूटोरियल में। तो वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।